चलो रहो जिंदाबाद चलो जी कटो सर तड़िया इधर देखियो इधर आओ करना करना क्या वो भी दे साहिल बड़ा पाया कोई गल नहीं बड़ा डब्बा चलेगा आज जिसकी आज शुरुआत हुई है ये हमारा काफी पुरानी हमारे लोगों की मांग थी जहाँ पे और जहाँ पे आज हम खड़े हैं शमशान घाट में जे करीब 20 साल पहले मैंने खुद काम करवाया था जहाँ पे जो स्टेंचर जो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं 20 साल के बाद हमारे लोगों की मेरा चोगा गांव और बेरा गांव दोनों गांव की जे इतनी पुरानी मांग थी जो भी बाहर से कहीं डेथ हो जाती बाहर से लोग आते थे दिक्कत रहती थी परेशानी रहती थी और मेरे लोग आज बहुत ज़्यादा खुश हैं और सबसे ज़्यादा मैं इस चीज़ को जो जबकि हम बने हैं और 2018 से लेके इतने इतने पुराने कार्य करवा रहे हैं और आपने देखा 18 से लेके जहाँ पर कितनी सरकारें रह कर चली गई हैं और क्या उनको ये शमशान घाट नज़र नहीं आता था उसके बैक साइड आपके माध्यम से मैंने PWD को कई बार बोला है आज 4 रोज पहले उनकी टीम एक आई थी जहाँ पर आप खड़े हो आप ही हमारी आवाज़ बुलंद करते हो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मीडिया बंधुओं का कि जो हमारी आवाज़ आप बुलंद करते हो तो हमारे को कार्य मिलते हैं जहाँ पे बिल्कुल इसके बैक साइड आप देखो जो PWD आज 4 रोज पहले देख के गई है हमें अभी बोल रहे हैं कि 500 मीटर का कार्य आपका जो है ब्लैक टॉपिंग का हो जाएगा तो मैं शुक्राना उनका भी करता हूँ PWD का भी और जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं LG साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि जो हमारे जबकि 2018 के बने हैं तब से हमारे कार्य हुए हैं आप देख रहे हो इतनी इतनी पुरानी हमारी मांगें पड़ी हैं जब बाहर से हमारे रिश्तेदार यारी दोस्ती में जो लोग आते थे जहां मातमदारी हो जाती है तो हमारे को बैठने में भी वहाँ पर दिक्कत थी नीचे जो है चलने में दिक्कत थी मतलब कि जो परिक्रमा हमारे सनातन धर्म में लेते हैं परिक्रमा लेने में मुश्किल थी और आज मेरा पूरा गांव बेरा और चोगा दोनों गांव का शमशान घाट है बहुत ज़्यादा खुश हैं और करीब करीब 4.5 लाख की लागत से ये टैल लग रही है 10,000 के प्लस लगेगी वो हम जेई साहब से ही बात की है और अच्छे ढंग से करके देंगे जो आप देख रहे हो जो पुराने स्ट्रक्चर हमारे बने हुए थे
20 साल पहले के, उनको दोबारा हम रिपेयर करवाएंगे और नई टायर लगी है और लोग बहुत ज्यादा खुश हैं। आगे का मैं आपको ये बताता हूँ कि आज दाबाद मैं कैद वालों को बोलना चाहता हूँ कि जो हमारे कटक का ब्लैक टॉप पड़ा मैं उनको एक मुबारक आता हूँ। PWD को भी मैं चाहता हूँ आने बाज और दाब का कार्य जहाँ पे लग जाएगा और हमारे ठेकेदार है इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ चेयरमैन साहब है रघुवीर जी शुक्रिया अदा करता हूँ। सरपंच जी है इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे पंच इन सभी का पंच नंबरदार जी है यही जो मेरे को बार बार आन के काम बताते हैं कि जो पीछे से मुट है स्पोर्ट के काम कार्य कर रहा हूँ जहाँ आपकी बात हो हमारी बात भी इस दफ्तर में ये क्योंकि पब्लिक हमारे सपोर्ट पाज हम उठाएं और पब्लिक हम हमेशा और पब्लिक का हमारे को उसके साथ साथ हमारा सभी का इसका जो अपने वीडियो ब्लॉग का मैं शुक्र सरपंच साहब सुखदेव सिंह और फकाला जी ने जो कार्य किया शमशान घाट का बहुत अच्छा कार्य किया। इन्हें कोई भी ऐसा माड़ा काम नहीं किया अपनी मतलब कार्यकाल में अच्छे काम किए हैं। इन्हें लोगों की जो भी मतलब आवाज है उसको सही मायने से सुना और उन पर अमल करते हैं और अच्छे आदमी हैं कोई ऐसे बंदे नहीं है अच्छा कार्य करा रहे हैं सब लोग इनके साथ एग्री हैं एट द टाइम। जिन्होंने हर बार हमारी पंचायत में आते हैं और हमारी समस्याओं को आगे लेकर जाते हैं। दूसरा मैं हमारे सरपंच साहब हैं सुखदेव सिंह काला जो कोरोना काल में भी हमारी फंडिंग नहीं आई थी तभी भी करके हमारे सरपंच साहब जितना दौड़ रहे हैं अभी तक कोई सरपंच भी नहीं हमारी पंचायत का दौड़ा क्योंकि हम आर्मी एक्समैन भी हैं और दूसरा पंचायत में गाँव चौगा का पंच अशोक और हमारे सुखदेव सरपंच हैं। हम चाहते हैं कि दोबारा यही सरपंच आए कि वो दुनिया तक आवाज़ बजाएं क्योंकि डेवलपमेंट का जो जरिया है सुखदेव सिंह सरपंच जहां दिन रात रात को 12 बजे 1 बजे उठाओ और दौड़कर चल पड़ते हैं और हमें ऐसे ही नौजवान जंग सरपंच चाहिए जो हर समस्या हमारी सुनते हैं। मैं इनका शुक्रिया अदा फिर करूंगा सुखदेव सिंह जी आपका शुक्रिया अदा जो शमशान घाट हमारी चौगा और बेरे की इसकी डेवलपमेंट 20 साल का जो पहले करवाया था काम सरपंच साहब ने अभी आज दूसरा फिर इन्होंने करवाया। कोई मैं MLA के साथ भी हमारे सरकारों को क्या करना है MLO को क्या करना है MP को क्या करना है जो फंडिंग नहीं हमारे को देते हैं इससे बढ़िया हमारे सरपंच साहब हैं कि जो पंचायत को लेकर आगे चल रहे हैं। शुक्रिया।